नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं या आप LIC के एम्प्लॉई हैं या फिर आप LIC की जो अपकमिंग IPO की जो डिक्लेरेशन हुई है उसमें IPO को अप्लाई करके मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इंडिया के सबसे बड़े IPO के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आप LIC की कोई भी तरीके की पॉलिसी होल्ड करते हैं या एम्प्लॉय हैं तो आप किस तरीके से इस IPO में अप्लाई करके 40,000 का मुनाफा तो जस्ट लिस्टिंग डे के दिन ही एडवांटेज आप ले सकते हैं अदर रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकेंगे किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है इस LIC के IPO के बारे में। मैं रामनिवास मोहल आपका स्वागत करता हूं इंडेक्स किंग की यूट्यूब चैनल पे। द मोस्ट अवेटेड एंड द इंडियाज बिगेस्ट IPO LIC, जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है 5% ऑफ LIC स्टेक्स, जो कि है अराउंड 65,000 करोड़। यस गाइज, आपने सही सुना, 65,000 करोड़ का ये IPO होने वाला है। अब इस IPO में आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे होना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और सेकंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पहली कैटेगरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंड से चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे एंड अगर ये IPO आपको अलॉट होता है तो ऑन वेरी लिस्टिंग डे जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लेके आप बाहर निकल जाएंगे। अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सी IPO में सभी को शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं बट लिस्टिंग के दिन भी आप LIC के शेयर खरीद सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या LIC में इन्वेस्टमेंट करना सही है? तो ये सारा का सारा डेटा हमें एनालिसिस से ही पता चलेगा कि LIC कौन से प्राइस पे लिस्ट होने वाली है, LIC जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वहां पे उसका डोमिनेंस कैसा है, उस सेक्टर की आगे आने वाली ग्रोथ कैसी है। तो इसके बारे में बहुत सारे स्टैट्स मैं इस वीडियो में आगे तक बताने वाला हूं, आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम आते हैं LIC पॉलिसी होल्डर और LIC एम्प्लॉइज के लिए। तो जिस तरीके से LIC ने अभी डिक्लेरेशन किया है कि एवरी LIC पॉलिसी होल्डर को एक डीमैट अकाउंट, डीमैट का खाता ओपन करना है और अपना पैन कार्ड LIC से लिंक करवाना है। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए ताकि जो मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 का मुनाफा आप पहले ही दिन अदर रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा कमाने वाले हैं। वो कैसे, आप वो पहले तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करते हो कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पे हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे डीमैट अकाउंट ओपनिंग में। सेकेंड, आपको आपका पैन नंबर LIC पॉलिसी से लिंक करना है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप करिए, कोई डिफिकल्टीज आती हैं वी आर हियर, हमें व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक बताता हूं कि किस तरीके से अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं या LIC के एम्प्लॉई हैं तो आप किस तरीके से अदर रिटेलर से एडवांटेज में है। तो जैसे कि LIC ने डिक्लेयर किया है फॉर दिस IPO मैक्सिमम एलोकेशन अमाउंट इज 2 लाख पर एप्लीकेशन, 2 लाख का एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें एम्प्लॉइज के लिए एक स्पेसिफिक कोटा रहेगा, पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक कोटा रहेगा और रिटेल क्लाइंट के लिए एक अलग से कोटा रहेगा। अब जो LIC एम्प्लॉइज हैं, LIC एम्प्लॉइज इस तीनों कैटेगरीज में बिलोंग करेंगे अगर आपके पास कोई भी एक LIC पॉलिसी है। इस वजह से आप क्या होंगे, आप एम्प्लॉई कोटा में भी एलिजिबल होंगे, पॉलिसी होल्डर कोटा में भी एंड रिटेल कोटा में भी, आप तीनों कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। देन LIC ने डिक्लेयर किया है कि रफली अराउंड 10% डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको ये IPO अलोकेशन होगा। सपोज LIC के एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो रिटेल क्लाइंट को 100 रुपए पे करने पड़ेंगे, बट बीइंग एन LIC एम्प्लॉई एंड LIC पॉलिसी होल्डर आपको 90 रुपए में वो शेयर मिलने वाला है। इस वजह से क्या होगा, अगर आप 2 लाख का एक कोटा अगर अप्लाई करते हैं तो बीइंग एन एम्प्लॉई आप LIC एम्प्लॉइज के कोटा में भी अप्लाई करेंगे और LIC पॉलिसी होल्डर के कोटा में अप्लाई करेंगे। इस वजह से अगर हम दोनों जगह पे 10-10% का अगर डिस्काउंट पकड़ते हैं तो आपको 40,000 का ऑलरेडी एडवांटेज है ऑन द वेरी लिस्टिंग डे। सेकंड,
अगर आप सिर्फ LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो आप LIC पॉलिसी होल्डर कोटा और रिटेल कोटा से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है जो कि रफली अराउंड 20,000 का आपको डिस्काउंट है ऑन 2 लाख रुपीज। रिटेल इन्वेस्टर्स आप तो अप्लाई कर ही सकते हैं फ्रॉम रिटेल कोटा। तो ये स्टेटिस्टिक बताती है कि अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं या एम्प्लॉय हैं तो आपको डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाना है और इस IPO को हमें अप्लाई करना है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको LIC कंपनी के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूंगा। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके फंडामेंटल समझना जरूरी है, उसका करंट मार्केट स्टैटिस्टिक समझनी जरूरी है, उस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ समझना जरूरी है। उसी के बाद आप अपना एनालिसिस वहां पे अप्लाई करके उस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर में अपनी हिस्सेदारी बनाएं। आज के मेरे इस वीडियो की आप मदद ले सकते हैं LIC के IPOs, LIC कंपनी को समझने में, LIC के शेयर प्राइस को समझने में, और फिर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको LIC का IPO अप्लाई करना है या नहीं। तो मैं एक जस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं। जैसे कि LIC का कोर बिजनेस हम सबको पता है, LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज हमें बेचती है। विद दोज इंश्योरेंस पॉलिसी दे हैव टू काइंड ऑफ बिजनेस, एक जो है वो इंश्योरेंस का डायरेक्ट इंश्योरेंस, सेकेंड है उसपे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स वो पॉलिसी होल्डर को देते हैं। उस इंश्योरेंस प्रीमियम का LIC क्या करती है, उस इंश्योरेंस प्रीमियम को LIC स्टॉक मार्केट में लगाती है और उसपे वो मुनाफा कमाती है। ये तो हो गई LIC के बिजनेस की बात। अब मैं LIC कंपनी की आपको कुछ स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहता हूं। अगर साइज वाइज देखा जाए तो LIC इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। यस, अराउंड 5 लाख करोड़ बिजनेस कैपिटल है विद असेट्स LIC का। भारत में अगर 4 इंश्योरेंस पॉलिसी सेल हो रही है तो उसमें से 3 इंश्योरेंस पॉलिसी LIC बेचती है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा स्टेक है। AUM उसका 39 लाख करोड़ का है, दैट इज 18% ऑफ इंडियाज GDP। इंडिया के GDP का 18% अमाउंट की तो वो असेट्स मैनेज करती है। अकेले LIC का बिजनेस पूरे भारत के म्यूचुअल फंड बिजनेस से बड़ा है, आप समझ सकते हैं। एंड पूरे स्टॉक मार्केट में LIC का 4% शेयर होल्डिंग है। तो इससे आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि LIC कितनी बड़ी कंपनी है। अब देखते हैं LIC में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उसका रीच कितना है। तो मार्च 2020 का डेटा बोलता है 1.14 मतलब 1,14,000 एम्प्लॉयज LIC के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि रफली 25,000 वुमन एम्प्लॉयज हैं। ये तो हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। एंड LIC हैज 13.5 लाख एजेंट, 13.5 लाख एजेंट्स हैं। एंड LIC इज पार्टनर विद द 72 बैंक्स। तो इस सारे डेटा को देखते हुए हमें समझ में आता है कि LIC का रीच कितना बड़ा है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में अराउंड 14 कंपनीज हैं, जिसमें से LIC इज द ओनली पब्लिक लिमिटेड, बाकी सारी प्राइवेट है। तो ये हो गई कंपनी के पास्ट की और एग्जिस्टिंग AUM की बात। अब हम इंश्योरेंस सेक्टर के फ्यूचर की बात करते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग हम फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आज मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। करंटली लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन जो है, अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो इंडिया में 3.2% है सिर्फ, जो कि डेफिनेटली US, जर्मनी, चाइना से तो बड़ा है, लेकिन आप समझ सकते हैं ओनली 3.2%। मैक्सिमम ताइवान का है 14%। तो आप आगे का पोटेंशियल देख सकते हैं कितना बड़ा पोटेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है आने वाले समय में। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं आप समझ सकते हैं प्रीमियम पेड पर कैपिटा इन US डॉलर, तो इंडिया इसमें बहुत ही कम है। अभी भी सिर्फ $59 पर कैपिटा प्रीमियम पे होता है, जो कि हम अदर कंट्रीज के सामने देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इंश्योरेंस सेक्टर हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो इन द अपकमिंग ईयर। तो ये सारा स्टैटिस्टिक्स देखते हुए हम कह सकते हैं LIC विल बी द ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट इन। अब इस IPO के अदर साइड हम देखते हैं, LIC डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत डीपली रूटेड है इन इंडिया, बट ये टोटली ऑफर फॉर सेल IPO है। What does that mean? Government of India is 100% owner of LIC और इस IPO के थ्रू वो 5% अपने shares retail client को दे रही है। इसका मतलब जो promoter है इस stock में से निकल रहा है, 5% क्यों ना हो बट वो वहां से निकल रहा है, और इस 5% को Government of India use करेगी other activities में। लेकिन इस IPO के बाद भी जो LIC का management है वो वही रहने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहने वाला है, तो कोई सब्सटेंशियल उसमें चेंजेस हमने डिक्लेरेशन में नहीं देखे हैं। सेकेंड चीज, अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसका मतलब जो LIC मुनाफा अपने पॉलिसी होल्डर तक देती थी माइट भी उसमें कमी हो आगे जाके, बिकॉज
कंपनी की ग्रोथ के साथ अब शेयर होल्डर्स को भी मुनाफा देना पड़ेगा। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज करंट मार्केट सिनेरियो। आज ग्लोबल मार्केट डाउन चल रहे हैं ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर, और इसी वजह से हम देख सकते हैं पिछले दो तीन हफ्तों से स्टॉक मार्केट में बिकवाली चल रही है। और जब मार्केट की कंडीशंस थोड़ी खराब होती हैं, इट मे पॉसिबल कि स्टॉक की लिस्टिंग पे उसका कुछ इफेक्ट हो, लेकिन ऑन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वहां पे मुझे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और इसी करंट मार्केट के सिनेरियो को लेते हुए, जो कि 15 मार्च को LIC का IPO आने की बात चल रही थी, अब मोस्टली वो अप्रैल मंथ में आएगा और तब तक माइट भी मार्केट्स भी स्टेबल हो जाए। अब आप अपनी एनालिसिस करिए इसमें, आप मेरी वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में इसको शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि किस तरीके से LIC के IPO को अप्लाई करना है, उसके लिए डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाएं, उसके लिए पैन कार्ड कैसे लिंक करें, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सकें। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं लाता रहता हूं हमेशा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।